Vice Chairman, NDRC, members of NDRC sitting all that way in China. I want to thank you, Mr. Vice Chairman, for all the nice things you said about us and about CPAC, which we believe is moving forward now from being simply a communication network to what it should be now, which is a proper agreement between Pakistan and China on industrial growth. So, Mr. Vice Chairman, I want to again say what a pleasure it was to receive you in Pakistan, and I hope to see you here again. Ab khawateen hazrat, pehle to mujhe ye bada ajeeb lag raha hai ki wo Chinese bolte hain, hum Urdu bolte hain aur angrezi mein hum conduct kar rahe hain apni ye. Meri request aage se ye hai ki hum bhi Urdu mein conduct karein. Hame kya zarur hum angrezi bolne lage hue hain, yahan hamare log TV pe dekh rahe hain unko hum angrezi bol rahe hain. तो वो उनके लिए भी अगर आप इंटरप्रेटर वो उर्दू बोलने वाले भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम अंग्रेज़ी में सारी अपनी कंडक्ट करें. मैं महमूद खान आपको मुबारक देता हूँ. आज ये बहुत बड़ी पख्तूनख्वा के लिए, पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा ये एक माइलस्टोन है, लेकिन पख्तूनख्वा के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन इसलिए है कि जो रशाकई की ये जो आप इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ये मौका देगा पख्तूनख्वा के लोगों को कि वहाँ भी इंडस्ट्री लगे, उधर भी लोगों को नौकरियाँ मिले. मैं अभी यूएन की एक सर्वे देख रहा था तो उसमें मुझे नज़र आया कि सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है और गुर्बत कम हो रही है वो पख्तूनख्वा में है, लेकिन सबसे कम एम्प्लॉयमेंट के लिए जगह हैं. सो लोग बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए, कोई मिडल ईस्ट जा रहा है, कराची में जाके एम्प्लॉयमेंट लेते हैं और शहरों में जाते हैं, लेकिन पख्तूनख्वा में एम्प्लॉयमेंट नहीं है. तो ये बहुत ज़रूरी था कि एक इंडस्ट्रियल जोन वहाँ बने, और मुझे खुशी ये है कि जो चार इंडस्ट्रियल जोन्स सीपैक के नीचे जो फैसला हुआ था उसमें पहली जो सबसे तेज़ी से आगे बढ़ी है वो है रशाकई की इंडस्ट्रियल जोन. इसका मुझे तो खुशी ये है कि ये अब मौका मिलेगा पख्तूनख्वा के लोगों को खैबर पख्तूनख्वा में रह के नौकरियां लेना. मेरा तो ये इंटरेस्ट है क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, अपने घर से दूर, अपने बीवी बच्चों को दूर छोड़ के जाना और कितनी कितनी देर तक दूर रहना. और इंशाल्लाह जो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो रशाकई का ये जो इंडस्ट्रियल जोन है, माशाल्लाह ये अगर ये इसी तरह जो अफगानिस्तान में पीस टॉक्स चल रही हैं तालिबान की और गवर्नमेंट की, और बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है जिसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है, हमने बड़ी कोशिश की इसके लिए कि ये इकट्ठे बैठें और वहाँ अमन आए. और अगर वहाँ अमन आ जाता है तो ये आप समझ जाएं कि ये आपका पूरी कनेक्टिविटी यहाँ से हो जाएगी सेंट्रल एशिया तक. उज़्बेकिस्तान के अभी वाइस प्रेसिडेंट आए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई, वो बड़ी सीरियसली अब एक रेलवे मज़ार शरीफ से सीधा पेशावर तक आएगा. ML1 जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रेलवे का प्रोजेक्ट है, जो बहुत पहले बनना चाहिए था. ये जो तेज़ी से जो अब चाइना से जो चाइना के साथ मिलके वो भी सीपैक में है, कराची से लाहौर 8 घंटे में पहुँच जाएगी ट्रेन, और फिर 2.5 घंटे में इस्लामाबाद पिंडी पहुँचेगी. इससे बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी रेल ट्रैवल, और उसकी वजह से हमारी कार्गो सब चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सब चेंज आ जाएगा. और फिर जो कनेक्टिविटी, अगर वहाँ से ये जो अब बात हो रही है उज़्बेकिस्तान से रेलवे की कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान से, तो ये सारा जो इलाका है इसकी चेंज होने वाला है. और इंशाल्लाह ये जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पाकिस्तान की, उसका पूरी तरह इस मुल्क को फ़ायदा होगा. और पख्तूनख्वा जो कि, और ख़ास तौर पे कबायली इलाका जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं वॉर ऑन टेरर में, जो सबसे ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये जो अब रशाकई और ये जो कनेक्टिविटी और ये जो ट्रेन और ये अफगानिस्तान के में अमन आ जाए, तो ये इलाके को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा. और उसकी वजह से मैं समझता हूँ हमारा इंटरेस्ट ये है
نوجوان آبادی ہے پاکستان کی ان کو نوکریاں ملیں گی اور خوشحالی آئے گی میں پاکستان کے لیے بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارا اب اگلا فیز ہے وہ انڈسٹریلائزیشن کا ہے پاکستان ڈی انڈسٹریلائز ہوتا گیا ہے سکسٹیز کے اندر بڑی تیزی سے ہم انڈسٹریلائز ہو رہے تھے پھر نیشنلائزیشن ہو گئی اس ٹائم روک دیا پھر اس کے بعد وہ ماحول ہی نہیں بنا انڈسٹریلائزیشن کا ٹریڈنگ ملک بن گیا اور ہم ایکسپورٹس ہماری نہ ہونے کے برابر ہیں چھوٹے چھوٹے ملکوں کے ہمارے سے 10 گنا زیادہ ایکسپورٹس ہیں تو انڈسٹریلائزیشن ہے اگلا راستہ اور اس لیے چائنا کا ہمیں بہت فائدہ ہے چائنا سے انڈسٹری ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے جس طرح جتنی ہم انڈسٹریل زونز بناتے جائیں گے ہم اٹریکٹ کریں گے چائنیز انڈسٹری کیونکہ وہاں لیبر کاسٹ بہت بڑھ چکے ہیں ہمارے ملک میں اس کے مقابلے میں بڑی اٹریکٹیو کنڈیشنز ہیں ہم نے اب پوری طرح انسینٹیوائز کرنا ہے انڈسٹری کو اپنی انڈسٹری کو بھی اور باہر سے بھی خاص طور پہ چائنا سے جو انڈسٹری ریلوکیٹ ہونا چاہتی ہے یہ جو بھی آج کانٹریکٹ ہوا ہے اب دونوں پارٹیز کو میں مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ شروعات ہے آگے پروگرس پاکستان کی بھی اور کے پی کی بھی شکریہ